नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RPS पवन को। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या 29 को DTH की जो सेवाएं वो बंद हो जाएगी। आजकल आप सभी टीवी पर ऐड देखते आ रहे हैं, जैसे कि स्टार पैक हो गया या फिर जी एंटरटेनमेंट पैक हो गया और हैप्पी इंडिया पैक को चुनने के लिए आपको बताया जा रहा है ऐड में कि आप इन्हें चुन लीजिए, अदरवाइज आपका जो पैकेज है वो 29 को बंद हो जाएगा, जो DTH की जो सर्विस है जो बंद हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। मेक श्योर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और हाँ, ये आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नए नए टॉपिक आपको इस चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। और हाँ गाइज, आपको मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो में आज एक क्विज रख रहा हूँ, जो कि इसमें जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा वो जो विनर रहेगा इसमें, उनको मेरी तरफ से एक इनाम दिया जाएगा और उसके साथ ही उनका जो फ़ोटो होगा वो मैं अपनी वीडियो में लगाऊंगा। जो क्वेश्चन होगा वो आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राई के बारे में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। इन्होंने एक रूल निकाला है, तो रूल के बारे में पहले जान लेते। वैसे आप सभी को गाइज पता होगा कि रूल क्या है, तो थोड़ा बहुत मैं प्रकाश डाल देता हूँ आपके लिए। इसमें ट्राई ने जो नया रूल निकाला है, इसके तहत हम अपने मनपसंद पैकेज और जो ब्रॉडकास्ट के जो पैक होते हैं और जो चैनल होते हैं उन्हें इसमें हम आसानी से चुन सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और हो भी नहीं सकता है। और आपको मैं बता दूं कि यह जो ट्राई का रूल है वह सभी ऑपरेटर में ही लागू रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल एयरटेल में चल रहा है या फिर टाटा स्काई में चल रहा है या फिर वीडियोकॉन या फिर डिश टीवी या सन डायरेक्ट या फिर केबल पे, सभी जितने भी केबल ऑपरेटर है या जितने भी पेड वर्जन के जितने भी ऑपरेटर हैं उन सभी पर ये लागू रहेगा। ठीक है, यह तो सही है कि ट्राई ने एक रूल के बारे में हमें कुछ जानकारी मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जो चैनल होंगे और जो ब्रॉडकास्ट के जो पैक है वो हमें कैसे उनको हम कैसे चुनें। तो आपको मैं बता दूं, यह जो चैनल और पैक है हमें दो जगह से चुन यानी उपलब्ध करवा सकते हैं और हम इसके विषय में जानकारी भी ले सकते हैं और इसे हम ऐड भी करवा सकते हो। पहला तो यह है कि आप जो अपना ऑपरेटर जो यूज़ करते हो आप उनके कॉल सेंटर में कॉल करके या फिर जो ब्रॉडकास्टर है, जैसे सोनी का ब्रॉडकास्टर है एंड जी का ब्रॉडकास्टर है एंड आपका स्टार ब्रॉडकास्टर है, वैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे है उनके वहाँ पे जाकर भी आप इन्हें चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जो अब इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, आपको आपने अभी कस्टमर केयर में कॉल करके पूछा भी होगा कि जो नया पैकेज आ रहा है उसके विषय में क्या अपडेट है, तो उनकी ओर से हमें जवाब यही मिल रहा है कि अभी इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं आई है। यदि हमारे पास कोई जानकारी आती है तो हम आपको बता दें कुछ इस प्रकार का वो अपडेट यानी कि हमें दे रहे हैं, अपनी ओर से आश्वासन दे रहे हैं कि अभी हमारे पास इसका कोई अपडेट नहीं आ रहा, जैसे आएगा तो हम आपको कॉन्टैक्ट करके बता देंगे। मैंने आज ही सभी ऑपरेटर में लगभग कॉल किया है, एक केवल कनेक्शन का पता नहीं क्या होगा, बट मैंने जितने भी ऑपरेटर हैं वहाँ पे सभी को कॉल करके पूछा है, उनकी रिकॉर्डिंग मैंने की है। सोच रहा हूँ वीडियो में डाल दूँ या नहीं डालूँ, देखता हूँ अच्छा मेरे को कैसा मोमेंट रहता है तो मैं डाल देता हूँ और आप भी उन रिकॉर्डिंग को सुन लेना। तो पहले इनकी जो बात है वो बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं कि ये जो डेट है वो 29 को ही क्यों दी गई है, हालांकि 30 कर देते या फिर इसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, यह जो ट्राई का जो नया रूल आ रहा है गाइस, तो ये ऐसा नहीं कि आज के एक या दो महीने पहले से लागू हो रहा है, ये काफ़ी समय पहले से चल रहा है। तो लगभग आज से 3 मार्च 2017 को पहली बार इसको पब्लिश किया गया था, जो कि पूरे एक साल भर तक इसमें डिसीजन यानी कि डिस्कशन चलता रहा कि इसे कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदा होगा या महंगा होगा। कुछ इस विषय में कुछ अपडेट चलती आ रही थी कि ये पैकेज लागू करना क्या अनिवार्य है या जो पैकेज चलते आ रहे वो ही रखना है, क्योंकि जो हमारे पास जो पैकेजेस अभी तक जो थे यानी जो अभी भी चल रहा है उसमें क्या होता है कि हमारे पास 320 का एक पैकेज होता था, उसमें 60 चैनल और एक्स्ट्रा हमारे को थोपे जाते थे जो कि हम देखना भी पसंद नहीं करते थे, उन चैनल का भी हम पे कर रहे थे। तो इसको देखकर ट्राई ने एक रूल निकाला है कि कंज्यूमर को, जो कस्टमर है, जो हम यूजर हैं, हम केवल उन्हीं का ही पे करें जो हमें चैनल देखना है। जैसे कि मान लो मैं सोनी के चैनल देखता हूँ या स्टार के चैनल, तो मैं स्टार का ही पे करूँगा, उसमें मैच भी आ जाएगा एंड जो सीरियल वाले होते हैं वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये जो अपडेट है वो 3 यानी कि इस विषय में को अपडेट किया गया, तो ये जो अपडेट है फाइनली वो 3 जुलाई को 2018 में पब्लिक कर दिया गया था। जिस दिन यह लॉन्च हुआ, ठीक है, उससे
उससे 180 दिन तक, यानी कि 6 महीने तक ये ब्रॉडकास्टर जो भी होते हैं ना, ब्रॉडकास्टर के कंज्यूमर एंड ऑपरेटर, इन सभी को एक टाइमलाइन, इनके समय दिया गया था कि आपके पास 180 दिन है जिसमें कि आपने जो आपके जो टाइमलाइन है, जो हमने टाइमलाइन बनाई है ट्राई की ओर से, ये कहा गया इनको कि जो हमने टाइमलाइन बनाई है आप उनका ऊपर थोड़ा काम कर लीजिए और अच्छा सा इम्प्लीमेंट करो, ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर जो सर्विसेज है उसमें आप नेट के प्लान जो है आ रहे हैं उन्हें इसमें एडजस्ट करवा सकें। तो यदि आप 3 जुलाई से और 29 तारीख तक, यानी कि 6 महीने काउंट करें 180 दिन, तो दिन डेट जो निकल कर आती है वो आती है 29 दिसंबर की। तो अब बात करते हैं कि 29 को क्या हमारे जो टीवी चैनल है क्या वो बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी मेहरबान तो यही है। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं होगा, जो आपका टीवी है वो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इसमें कोई पैकेज में कोई अपडेट पूरी तरह से हो नहीं जाता है। ट्राई की ओर से अभी छूट दी गई ऑपरेटर को भी कि वह अपने जो कस्टमर के लिए अच्छा पैकेज बनाएं और आप भी अपने पैकेज को चुन सके उस समय के, तब तक के लिए आपको समय दिया जाएगा। हाँ, जब ये पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा एंड उसके बाद यदि आप उसमें, फिर तो चेंज होगा ना, यदि सभी में अपडेट हो गया उसके बाद तो ये अपडेट हो ही जाएगा। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और अभी जो मैं क्विज में जो इसमें क्वेश्चन था मेरा, जो पहले मैंने एक बीच में अनाउंसमेंट की, वो क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपने इसमें पार्टिसिपेट लेना है तो आप लीजिए, और जो भी आपका आंसर होगा उसको हैशटैग लगा कर आकर मुझे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो आंसर होगा वो लिख देना है। जो आंसर होगा वो उसमें आपने हैशटैग जरूर लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार आप सुन लीजिए। वह कौन है जो किसी का सगा नहीं है, वह केवल अपने देश से प्यार करता है और अपने माँ बाप और देश के सिपाही और किसानों से प्यार करता है, और उनका YouTube पर चैनल भी है। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना था, मेक श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलता हूँ जल्दी इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहे हमारे चैनल को। चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।